एक बहुत बुरा दिन पाकिस्तान के लिए. वी हैड अ चांस टू मेक एन हिस्ट्री और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने कहा था, दिस इज़ अ लाइफ वंस टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वेयर आप फाइनल्स में क्वालिफाई करते हैं और आपके पास ये मौका होता है कि आप चैम्पियंस बन जाएं. बट यस, एवरीबडी वॉज थिंकिंग, एवरीबडी वॉज प्रेजिंग, लेकिन आज जो ख्वाब थे वो सिर्फ लड़कों के लिए, हमारे भी चकना चूर हो गए. देखिए, मैच जब शुरू हुआ थोड़ा सा सीम, थोड़ा सा स्विंग, आई थिंक इंग्लैंड बोल्ड रियली वेल. 6 ओवरों में हमारा 38 रन था पावर प्ले में वंस अगेन, और 2 विकेटें गिर गई, एक विकेट गिर गई थी. एक तो स्टार्ट जिस हमने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है, बॉल सीम बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उस स्टार्ट के बाद जब 10 ओवरों तक शान और बाबर चले गए थे और 10 ओवरों में पास जब हमने एकदम मोमेंटम पकड़ा, वेरी नेक्स्ट ओवर जब लिविंगस्टन आया, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मूव, क्योंकि आपको लिविंगस्टन एक ऐसा बॉलर था जो बीच में आके 2-3 ओवर करता है उनके लिए स्पेसिफिकली, लेकिन उसको हमने आड़े हाथों लिया और उसको हमने अटैक किया, विच वॉज रियली गुड, लेकिन रियली गुड. लेकिन उसके बाद हमारा जो ड्रॉबैक हुआ वो ये हुआ कि बाबर के आउट होने साथ ही नेक्स्ट ओवर में हमारी एक और विकेट गिर गई जो इफ्तिखार की थी. हाँ जी. उससे हम थोड़े से बैकफुट पे आए, उसके बाद दोबारा से शादाब और क्या कहते हैं शान ने कंटिन्यू किया इनिंग्स को लेके गए, आई थिंक वी शुड वो किया उन्होंने, और उसके बाद उसको एक थोड़ा सा मोमेंटम मिला. 16 ओवरों तक आई थिंक वी वर इन अ गुड कमांडिंग पोजीशन, और फिर बात करनी थी फिनिश पे, और इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड कि जब आपके 4 आउट हो गए हो तो आपके ये 2 मेन प्लेयर हैं, वी नो के नवाज का कॉन्फिडेंस लेवल उस तरीके से नहीं था, और प्लस फिर दोनों का ऊपर नीचे आउट हो जाना वेरी नेक्स्ट ओवर में, तो फिर नवाज के साथ वसीम जूनियर और जो नीचे हमारे शाहीन और हारिस थे उन पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे. आई थिंक रन ऑन द टोटल ऑन द बोर्ड वॉज नॉट इनफ, 137 रन हम लोगों ने किए. इंग्लैंड को दाद देनी पड़ेगी कि बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, स्पेशली सैम करन वंस अगेन, व्हाट अ टूर्नामेंट ही हैड. उसके बाद आदिल रशीद ने, देखिए फ़र्क कहाँ पे पड़ा कि 16 रन का एक ओवर जब लिविंगस्टन को लगा और आदिल रशीद आए हैं और आते साथ उन्होंने वो ओवर विकेट मेड इन करना, आई थिंक दैट वॉज हैट ऑफ. और उसके बाद इसी तरह का एक ओवर सैम करन ने किया है 1 या 2 रन के ऊपर, एक उन्होंने पावर प्ले में किया दूसरा ओवर, और उसके बाद एक उन्होंने एंड में किया. तो आई थिंक हैट ऑफ, प्रेज करना चाहिए इंग्लैंड की टीम को, जिस तरीके से उन्होंने प्लान्स किए, उनकी एग्जीक्यूशन हुई, उनकी एफर्ट नज़र आई फील्ड में. 137 ऑलवेज ऑन द कार्ड वॉज नॉट इनफ, जिस तरह का विकेट था, जिस तरह की मूवमेंट थी, अगर हम 150 प्लस 160 कर लेते और हम यही बात कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग को इतना एडवांटेज मिलना चाहिए कि बॉलिंग ने तो 137 पे भी बहुत एफर्ट, बहुत अच्छी एफर्ट की. उसके बाद वंस अगेन शाहीन, आई थिंक द मैन ऑफ द मोमेंट, जिस तरीके से वो आया इस टूर्नामेंट में, ही वॉजेंट 100% फिट, उसने फिर भी कहा कि आई एम फिट, उसने आके एफर्ट की, उसने आके टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया, और आई कैन फील द पेन. मैं मतलब यहाँ पे शाहीन को कहना चाहता हूँ कि यू आर अ रियल फाइटर, यू आर अ रियल हीरो. आई नो व्हाट पेन यू आर गोइंग थ्रू, कितना दुख है कि उस वक्त जिस वक्त बिल्कुल हम फिनिशिंग लाइन में थे, इट कुड हैव मैटर्ड फॉर अस आपके 2 ओवर, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली गॉट अनफिट. तो घबराना नहीं है शाहीन, बहुत से यंगस्टर्स और बहुत से लड़के आपसे ये चीज़ ज़रूर सीखेंगे कि यू हैव समबडी लाइक अ फाइटर लाइक दिस विच वॉज मिसिंग इन द पाकिस्तान टीम, एंड आई रिस्पेक्ट यू, आई थिंक वी ऑल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट द एफर्ट यू हैव मेड. उसके बाद हारिस रऊफ वंस अगेन, बड़ा उसको थोड़ा सा ट्रॉल कर रहे थे कि 2 मैच हो गए, 3 मैच हो गए, लेकिन देखें ही वॉज द मैन ऑफ द मोमेंट थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में, ही हैज़ बीन अमेजिंग फॉर पाकिस्तान. और आते साथ हमें जॉश बटलर की विकेट दिलवाना और फिल सॉल्ट को आउट करना पहले 6 ओवरों में, दैट वॉज अमेजिंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि आपने इंग्लैंड को टोटली बैकफुट पे कर दिया, क्योंकि बटलर वॉज द मैन जो रन्स कर रहा था, और उसको जिस तरीके से हमने आउट किया 5वें 6वें ओवर में, आई थिंक उधर से हम लोगों ने इंग्लैंड को थोड़ा सा अंडर प्रेशर किया. देन आई थिंक शादाब अगेन वंस अगेन बोल्ड रियली वेल, नसीम वॉज ऑफ ट्रैक विद द न्यू बॉल, उसके बाद में आके जब लेफ्टी आए तो ही इज़ मच मोर कम्फर्टेबल, जिधर बॉल उसका सीम हो के बाहर निकलता है तो उसने अच्छे ओवर किए. तो सो बॉलिंग ने अच्छी एफर्ट की, बट रन ऑन द बोर्ड वॉज नेवर देयर. बट यस, आई स्टिल बिलीव कि जितना गेम ग्रिप करा था, यू शुड हैव ट्राइड नवाज, बिकॉज बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी, लेट देम टेक अ चांस.
ऑब्वियसली प्रेशर था कैप्टन क्लोजिंग, बट तो खैर मेन बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन इट्स लेकिन आई थिंक एक एफर्ट जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने किया, आई थिंक उस पर वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट दे फाइटेड रियली वेल. बट एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द डे देयर वाज नो रन्स ऑन द बोर्ड, जिस तरह में बहुत बड़ा मसला फिर वहीं आ गया. रिजवान बाबर फिर ओवरऑल एक के बाद एक भाई मेरे को छड़े तुम्हारे लिए है लड़ी लड़ी लग जाती है. मैं यही पूछने लगा था कोई बात मेरा सुनने का टाइम हो गया. आपका जो है ये एक महीना कैसा गुजरा वर्ल्ड कप के बारे में? बहुत अच्छा नहीं गुजरा आज के दिन के अलावा. वेरी पेनफुल. आज का दिन बुरा था, बाकी अच्छा बहुत. बाकी कौन से दिन अच्छे गुजरे? अच्छे जहाँ सिडनी में और एडिलेड में मैच हुए अच्छे गुजरे, वो वाले दो चार दिन अच्छे रखे. नहीं ये इससे हम कब निकलेंगे कि हमारी मर्जी का ग्राउंड होगा तो हम 50 भी करेंगे, हम 200 भी कर जाएंगे और नहीं होगा तो हमसे 120 नहीं होगा. देखें आज थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बैड लक थी पाकिस्तान की कि इतना अच्छा ग्रिप में मैच ला के हमारे हाथ से निकला, क्योंकि जब स्कोर 16वें ओवर पर 13वां ओवर और कुछ बॉल थे जब 100 कर लिया, 14 में 100 हो गया था और उसके बाद तो देखें विकेट भी 3 आउट थे शायद जी, और हमें 170-60-70 करना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली जब विकटें गिरती हैं तो फिर हमेशा हम कहते हैं जब विकेट्स गिरती हैं ना तो आप अंडर प्रेशर आते हो. हुआ क्या था कि जब जैसे ही इफ्तिहार और शादाब बाबर और फिर इफ्तिहार और अशान खेल रहे थे शायद वो जो तो उस वक्त फंसे हम लोग. देखें 2 विकटें गिरने का मतलब है कि आप टोटली एकदम अंडर प्रेशर आ गए. ऐसी सिचुएशन में हमेशा होता है कि आप छोटी छोटी पार्टनरशिप का सोचते हो. मतलब मैं नहीं कह रहा कि ओवर्स कम थे, मगर एक आध ओवर आपको 6 सिंगल्स कर लेनी चाहिए ताकि एक ओवर निकले, आपका प्रेशर भी कम होता है. जब आप पैनिक कर जाते हैं ना, आप हिटें मार के आउट होते हैं तो आने वाले बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आते ही उसने बड़ी हिट खेलनी होती हैं. तो उसमें आप देखो कि जैसे ही 2 विकटें गिरी फिर आप वापस नहीं आ सके, फिर आप नीचे वसीम आप जाते ही गए. फिर तो देखें ना आपकी बैटिंग एकदम कहाँ हम सोच रहे थे 170 होएगा और कहाँ हम 138 पे आउट हो गए. तो ये चीज़ें जो ऐसी थी. फिर बॉलिंग में बहुत सारी देखें, आज विकेट ऐसा था कि जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जो था जो नसीम ने बॉल किए हैं उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी बॉलिंग ही ये है कि वो जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ करता है, मगर विकेट उसका साथ दे रही थी. कंडीशन सीम हो रहा था ना, मतलब बॉल खुद सीम कभी अंदर कभी बाहर. तो ऐसी सिचुएशन में देखें वसीम जूनियर हमारे लड़कों को थोड़ा बॉलिंग में ना लेटर ऑन जाके समझ आई है. अगर उनका नया बॉल निकाले ना आपने वो सारे आगे से चौके खाए उन्होंने मुँह से. हालाँकि नसीम ने जो बॉलिंग की है ना वो सेकंड स्पेल में आके अच्छी की है. नया बॉल जिस तरह उसका शेप बनता है ना उसको जो उसकी लेंथ भी आज उसको देखे जितने बटलर ने चौके मारे सारे इधर से मारे. नहीं जैसे ही उसने लेंथ जो है ना खींची है तब बॉल सीम. बॉल पहली इनिंग से सीम हो रहा था जब आप करण का स्पेल निकाल के देख लें जहाँ आप वो एरिया हिट करते थे ना वहाँ से बॉल स्विंग भी हो रहा था सीम भी. हमारे लड़कों ने क्या किया, शाइन की स्ट्रेंथ है, आप शाइन को नहीं फॉलो कर सकते. शाइन की एक अपनी स्ट्रेंथ है क्योंकि वो ला के आगे से आउट करता है. नसीम की एक अपनी स्ट्रेंथ है, उसने क्या किया उसने भी नया बॉल फुल करने की कोशिश की जहाँ पे उसको रन हुए.